मान लीजिए कि आपने यहाँ पे डेटा टाइप गलत कर दिया, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पर जो है टीचर आईडी दिया गया, ठीक है, और टीचर आईडी जो है इसका डेटा टाइप है यहाँ पे इंट, क्या है, इंट है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे टीचर आईडी का डेटा टाइप अगर गलत हो गया हो, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर गलत हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने इंट दे दिया कोर्स आईडी का, लेकिन देखिए कोर्स आईडी का अगर इंट दे देंगे तो इंट देते समय आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ आप नंबर ही एंटर कर पाएंगे। अगर इंट देते हैं तो सिर्फ नंबर एंटर कर पाएंगे, वो भी इंटीजर, ठीक है। और अगर आप फ्लोट देते हैं तो फिर डेसिमल नंबर एंटर कर पाएंगे, लेकिन जब तक कैर या वैर कैर नहीं देंगे तब तक तो यहाँ पर आप नंबर एंटर नहीं कर पाएंगे इस तरीके का, जैसे A01 लिखा है ना, इस तरीके का नंबर आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तो फिर चेंजेस कैसे करेंगे, क्या कमांड लिखेंगे कि चेंजेस होंगे, जैसे आप अब आपने तो बना दिया, या तो पूरा टेबल हटाइए या नया नए सिरे से पूरा टेबल बनाइए, तब आपका काम होगा। और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कौन सा कमांड चलाना है जिससे आप डेटा टाइप को भी चेंजेस चेंज कर पाएंगे, डेटा टाइप में भी चेंज कर पाएंगे, इस तरह का कोई कमांड है क्या SQL के अंदर, ठीक है। तो अगर इस तरह का कमांड है तो उसको कैसे यूज करेंगे और उसका क्या नाम है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने टेबल बनाया हुआ है और यहाँ पर जानबूझकर गलती करी गई है, जो पिछले वीडियो में मैंने करी थी वही गलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, क्या करना है, मॉडिफाई का यूज करना है, समझिएगा किसका यूज करना है, मॉडिफाई का, ध्यान दीजिएगा हमें मॉडिफाई ही यूज करना है, ठीक है। तो अब मॉडिफाई कैसे यूज करें, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर SQL बेंच पे आते हैं, वर्क बेंच पर, और यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर टेबल तो बनी हुई है, ये देख लीजिए, ये हमारी टेबल है, ये देख सकते हैं इसमें रिकॉर्ड भी इंसर्ट करा दिए गए हैं। और अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कमांड लिखता हूँ, ये लिखा सेलेक्ट इस तरीके से, और यहाँ पे एस्ट्रक लगाएंगे, फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है बेटा, तो हमें सेलेक्ट करना है टेबल वन से, तो यहाँ लिख दिया TABLE टेबल, और यहाँ वन लिखा और यहाँ पे टर्मिनेशन दिया, और टर्मिनेशन देने के बाद इसको सेलेक्ट करके और चलाएंगे, तो यहाँ से ऐसे चलाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये आ गया, यानी टेबल वन में टीचर आईडी है और नेम ऑफ टीचर है, ठीक है। लेकिन टेबल टू में क्या है, तो टेबल टू यहाँ पे करते हैं, तो टेबल टू देख लेते हैं, तो टेबल वन आपने देख लिया, टेबल टू देखते हैं। तो यहाँ पे टेबल टू में देखिए कुछ भी रिकॉर्ड फिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी रिकॉर्ड फिल करने के लिए क्या चाहिए हमें, तो रिकॉर्ड फिल करने के लिए सबसे पहले तो हम डेटा टाइप को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिस्क्राइब करता हूँ टेबल टू के डेटा टाइप को, तो आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ना, कोर्स आईडी को क्या दे दिया गया है, इंटीजर दे दिया गया, और इंटीजर अगर दिया है तो आप A01 जैसे कि यहां लिखा हुआ है A01 आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए मॉडिफाई करना जरूरी है, तो मॉडिफाई कैसे चलाएंगे, तो चलिए ये देखते हैं मॉडिफाई कैसे करेंगे डेटा टाइप को। तो यहां पर आएंगे ना, तो यहां नीचे आ जाते हैं पहले हम, ये देखिए ये आ गए। अब हमको मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई के लिए हम लिखेंगे अल्टर कमांड, अल्टर लिखा ALTER लिखेंगे, ALTER अल्टर हो गया। अब टेबल को अल्टर करेंगे तो कौन से टेबल को अल्टर करेंगे बेटा, तो यहाँ पे अल्टर टेबल करेंगे और फिर टेबल का नेम देंगे, तो यहाँ पे अल्टर टेबल किया और फिर टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है टेबल टू, तो यहाँ पे लिखा टेबल टू हो गया। अब यहाँ पे एंटर कर देते हैं और यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे MODIFY, तो मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई किसको करेंगे, तो कॉलम कौन सा है जिसको मॉडिफाई करना है, तो हमें मॉडिफाई करना है किसको, कोर्स आईडी को, तो यहाँ COURSE कोर्स अंडरस्कोर आईडी लिखा और इसी को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मॉडिफाई लिख देंगे और फिर जो मॉडिफाई करने के बाद, अब जैसे डेटा टाइप चेंज करना है हमको, डेटा टाइप चेंज करना है तो कैसे मॉडिफाई होगा, तो ये बड़ा सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा अल्टर टेबल, टेबल टू को अल्टर करना है, तो यहाँ टेबल टू दे दिया और यहाँ मॉडिफाई चला दिया, और कोर्स आईडी का डेटा टाइप अभी आपको कुछ और दिख रहा था लेकिन अब कुछ और दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी मॉडिफाई कर दिया, मैंने इसको चला के यहाँ पे क्लिक किया तो ये मॉडिफाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मॉडिफाई हो चुका है। अब अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, ठीक है, टेबल टू को डिस्क्राइब करें, तो यहाँ पे DESC चलाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेबल टू, ये हो गया टेबल टू इस तरीके से, और यहाँ पे टर्मिनेशन देंगे, और टर्मिनेशन देने के बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से इसे रन करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अब जो कोर्स आईडी का है, यानी नेम ऑफ कोर्स का जो डेटा टाइप है, ठीक है, कोर्स आईडी का जो डेटा टाइप है वो कैर हो चुका है। पहले क्या था, पहले अलग था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी कैर हो गया, ठीक है। इसके पहले जो था, यहाँ पे देख सकते हैं ये 01 जो लिखा है, ये 01 जो लिखा है इसे इंटीजर बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोर्स आईडी इंट डेटा टाइप रखा गया था, नॉट नल प्राइमरी की, ठीक है। लेकिन इसको मैंने मॉडिफाई का यूज करके मॉडिफाई कर दिया, तो ये चेंज भी हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप में परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब यहाँ पर नेम ऑफ कोर्स है, इसका डेटा टाइप आपको क्या दिख रहा है, वेयर कैर,
साइज 20 दी गई है, तो हमको अगर इसको मॉडिफाई करना है कैर में तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यहां पे सबसे पहले अल्टर कमांड चलाएंगे, तो ये लिखेंगे अल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम देंगे, तो table टेबल हो गया, फिर टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है हमारे, टेबल 2 है, तो ये कर दिया टेबल 2। अब एंटर करके नीचे आइए, अब यहां पे चलाइए मॉडिफाई, तो ये लिखा मॉडिफाई, और किसको मॉडिफाई करना है बेटा, तो हमें इस बार मॉडिफाई करना है नेम ऑफ कोर्स को, तो यहां पे लिखते हैं name_of_course नेम ऑफ कोर्स हो गया, तो नेम ऑफ कोर्स को इस बार मॉडिफाई करना। ध्यान रखिएगा कि यहां पर मिस्टेक ना होने पाए, तो कैपिटल अगर लिखा है तो आपको कैपिटल में ही लिखना है, ये सब चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। तो नेम ऑफ कोर्स हो गया course, नेम ऑफ कोर्स हो गया, और नेम ऑफ कोर्स लिखने के बाद यहां पर क्या करना है आपको, सिंपली डेटा टाइप मेंशन करना है। तो अभी आपने देखा यहां पर कि इसका डेटा टाइप क्या है, नेम ऑफ कोर्स का वेरकर है, लेकिन अभी मैं चेंज करने वाला हूं, और चेंज करूंगा तो यकीन मानिए कि ये डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, जैसे अभी कुछ देर पहले हुआ था कोर्स आईडी का, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, देखते हैं कि चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। यहां पे char लिखा, कैर कर दिया हमने, और साइज भी मेंशन कर देते हैं, कितनी साइज रख दूं, 5 10, कितना रख दूं, यहां पे देखिए मैंने 5 10 रख देते हैं इस बार 10, ठीक है। तो ये रखा 10, और 10 रखने के बाद इसको बंद कीजिएगा, और बंद करके यहां से टर्मिनेट कीजिए, और टर्मिनेट करने के बाद इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ये जो है ना इतना हिस्सा पूरा सेलेक्ट करना है आपको, और सीधा यहां पे जाके क्लिक करना है, और क्लिक करते ही देखिए ये जो है चेंज हो गया डेटा टाइप। अब कैसे पता चेंज हो गया, तो यहां पे डिस्क्राइब कर लेते हैं, देखिए डिस्क्राइब कमांड तो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, तो इसको डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे, जब डिस्क्राइब करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि ये चेंज हो गया है, कैसे देखिए मैं दिखाता हूं। यहां पे गए, इसको सेलेक्ट किया और यहां से गए, तो अब देखिए आप, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, कैर हो गया, ठीक है। तो आपको डेटा टाइप में मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफाई कमांड चलाइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि पूरी बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि वापस से इसे वेरकर बनाना है, तो क्या करेंगे, तो यहां पर हम खाली लिख देंगे वेरकर, ठीक है, चेंजेस अब तो एक बार तो कर लिया, तो यहां पे आप खाली वेरकर लिख दीजिए, और यहां साइज मान लीजिए 10 ही रखना हो तो ये 10 रख दिया। अब इसको देखिए फिर चलाता हूं, और फिर देखिए फिर ये मॉडिफाई हो जाएगा इस तरीके से, देखिए ये मॉडिफाई हो गया। अब यहां पर वापस से डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको, तो ये डिस्क्राइब करने जा रहे हैं हम, देखिए ध्यान से, तो यहां पे देखिए अभी वायर कैर हो गया, साइज क्या बन गई, 10 बन गई, और फिर वापस करना होगा तो फिर यही काम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडिफाई का यूज कर सकते हो। क्या टीचर आईडी चेंज हो सकती है, यहां देखिए टीचर आईडी दिया गया, तो यहां पर खाली आपको नेम ऑफ कोर्स को हटा देना है, देखिए चेंज करना है डेटा टाइप में, तो यहां पे नेम ऑफ कोर्स हटाइए, क्योंकि अब इस बार टीचर आईडी को चेंज करने वाले हैं, तो TEACHER टीचर अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं, तो टीचर आईडी का डेटा टाइप आप देख ही सकते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। इस बार हम टीचर आईडी का डेटा टाइप चेंज करेंगे, तो इंट है, तो क्या हम कैर कर दें इसका, तो यहां पे देखिए वेर कैर दिया हुआ है, इसको हम खाली कैर कर देते हैं, तो ये वेर हटा देते हैं और कैर रहने देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इस तरीके से करके आपको क्या करना है, यहां पर अब आना है, क्लिक करना है और इसको पूरा सेलेक्ट कर जाइए, ठीक है। अब टीचर आईडी का डेटा टाइप चेंज, देखिए कैसे यहां पे गए और यहां से इसको चला दिया, रन करा दिया, अब देखेंगे कि टीचर आईडी का डेटा टाइप चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद क्या आया, कैसे पता, तो यहां पर जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से इसको ओके कर देंगे, तो देखिए टीचर आईडी का डेटा टाइप अब कैर हो गया। वापस वेर कैर करना है तो वही करना होगा जिस तरीके से पहले किया था हमने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।